पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हैं, हुकूमत की नाकामी और आवाम की मायूसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक इंतहाई अहम और एहसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम इतनी तेज़ी से बैरून मुल्क क्यों जा रही है? क्या हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी है कि लोग अपना घर अपनी ज़मीनें छोड़कर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए हैं? अब सवाल ये बनता है कि लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं? आजकल पाकिस्तान में माशी बहरान ने हर शख्स को परेशान कर दिया है। महंगाई, बेरोज़गारी और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लोगों का अपने वतन से भरोसा उठ गया है। अवाम को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आइंदा चंद सालों में कोई बेहतरी आएगी या नहीं, इसलिए लोग अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। सिर्फ 2023 में लाखों लोगों ने पाकिस्तान से हिजरत की है और 2024 के शुरू में ही लाखों लोगों का पाकिस्तान से जाना। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2024 के शुरू में 8 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें तलीम याफ्ता प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। पढ़े लिखे और मजदूर दोनों जा रहे हैं। ये सिर्फ तलीम याफ्ता लोग ही नहीं बल्कि गैर तलीम याफ्ता लोग भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जो लोग हुनरमंद हैं, मजदूर हैं या गरीब हैं, वो भी अपनी माशी हालत को बेहतर करने के लिए बैरून मुल्क काम तलाश कर रहे हैं। आजकल हर शख्स अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच रहा है। इस सब के पीछे पीडीएम की गलत पॉलिसियों और करप्शन का हाथ है। जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाली है, इन्होंने सिर्फ अपने प्रोटोकॉल और फायदे की सोची है। पाकिस्तान की मईशत को इस हद तक गिरा दिया गया है कि लोगों को अपने घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई का तूफान, बिजली के बिल और टैक्स का बोझ, अवाम को सिर्फ ये सब कुछ मिला है, रिलीफ का कोई असर नहीं होता। यही नहीं, पीडीएम के अपने अफराद करप्शन करके अपने कारोबार बैरून मुल्क बना रहे हैं। आम आवाम से टैक्स लेकर इन्हें कोई फायदा नहीं दिया जाता, बल्कि हुकूमत के लोग अपने फायदे के लिए मुल्क का पैसा बाहर भिजवाते जा रहे हैं। अवाम में बेपनाह मायूसी फैल गई है। लोगों को अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में महफूज नजर नहीं आ रहा और इसलिए हर शख्स अपने खानदान वालों के लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मुल्क छोड़ने का सोच रहा है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा लोग हिजरत करने के लिए तैयार हैं। ये वक्त है कि हुकूमत अपनी गलतियों का इदराक करे, अवाम को रिलीफ दिया जाए, वरना मुल्क से लोगों का चले जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।